नमस्कार, मैं कशिश चंचल और आप देख रहे हैं फोर्थ ब्लड लाइव। जहां एक तरफ सारे मुख्य प्रत्याशी बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपना नामांकन दर्ज कराने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आई है मधेपुरा के सराइन बीला पंचायत से, जहां पर मुख्य प्रत्याशी ने भैंस पर सवार होकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ उनके समर्थक भी गए थे। हालांकि इस पूरी खबर को मीडिया कर्मियों ने काफी जमकर चलाया और मीडिया का आकर्षण बना था ये भैंस पर सवार होना। लेकिन जब ये पूरा मामला सबके सामने आया तो अनुमंडल पदाधिकारी नीरज कुमार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत उन पर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि जल्द से जल्द मुख्य प्रत्याशी पर FIR दर्ज कराया जाए। आपको बता दें कि पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत किसी भी पशु को जबरदस्ती कहीं ले जाना, साथ ही उस पर बैठकर सवारी करना कानूनी अपराध है। इसके साथ ही पशु को जबरदस्ती कुछ जहरीले पदार्थ देना और अन्य चीजों का सेवन करवाना भी कानूनी अपराध है। आइए ले चलते हैं आपको मधेपुरा और दिखाते हैं किस तरीके से मुख्य प्रत्याशी ने भैंस पर सवार होकर अपना नामांकन दाखिल किया। इसराइल बेला पंचायत के अशोक कुमार मेहता पूरे जोश में हजारों की भीड़ में समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, लेकिन उनको ये पूरा मामला महंगा पड़ गया। अब देखना यह है कि उन पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है, साथ ही वो मुखिया का चुनाव लड़ पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल फोर्थ पिलर लाइव।